और ये है सर वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट सनडायल, दुनिया की सबसे बड़ी वॉच पूरे वर्ल्ड के अंदर। इससे बड़ी कोई सनडायल यानी कि धूप घड़ी नहीं है जो आपको सनलाइट के अकॉर्डिंग 2 सेकंड तक का सही टाइम बता सकती है। आपको मैंने सबसे फर्स्ट वो वाला घड़ी दिखाया था छोटी वाली, उसके टाइम की जो एक्यूरेसी थी वो 20 सेकंड थी, बट राजा ने उसी घड़ी को क्या किया 10 टाइम और बड़ा बनाया यहाँ पे, तो इसकी जो एक्यूरेसी है ना वो पूरे 2 सेकंड है और है बिल्कुल सेम वैसा ही। देखिएगा ये जो व्हाइट मार्बल आपको दिख रहा है नीचे के साइड में, तो मॉर्निंग में इस दीवार का जो शेडो है इस वाले मार्बल पे आएगा, तो मॉर्निंग 6 से लेकर 12 तक वो टाइम बताएगा और आफ्टर 12 to 6 उस तरफ है बिल्कुल सेम वैसा है, बस फर्क इतना है कि उससे बड़ा है। और नीचे आप देख सकते हैं एक एक जो व्हाइट मार्बल के पीस लगे हुए हैं ये 15 मिनट्स के हैं। एक मार्बल अगर 15 मिनट्स का है तो 4 मार्बल मिला के 1 आवर हो गया, तो यहाँ पे क्या स्पेस ज़्यादा हो गया तो उन्होंने इसको डिवाइड ज़्यादा कर दिया। कंटिन्यू अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो हर 2 सेकंड में वो शैडो आपको वहाँ से मूव करता हुआ नज़र आएगा, वहाँ पे 20 सेकंड में और यहाँ पे 2 सेकंड्स के अंदर। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वॉच है सर। देखिए यहाँ पे डायल काफ़ी बड़ा हो गया है, जस्ट वहाँ पे देखिए 12 लिखा हुआ है एंड ये है 1, तो लगभग एक मार्बल का पीस 15 मिनट्स का हो गया। और आपको वेरी स्मॉल ब्लॉक यहाँ दिख रहे होंगे, ये लास्ट जो ब्लॉक दिख रहे हैं बिल्कुल स्मॉल, ये है 2 सेकंड्स। वॉल का शैडो अगर आप मूव देखेंगे तो हर 2 सेकंड के अंदर यहाँ से मूव करेगा, बट अभी देखो 12 से कम बजे हैं तो इसका मतलब इसकी शैडो किस तरफ है, उस तरफ, तो वहाँ से चेक करेंगे हम टाइम। यहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ सर एंड देन टॉप पे बिल्कुल 6 है, वहाँ पे 6 7 8 9 10 11 एंड दिस इज 12। 12 बजे सन जब बिल्कुल जयपुर की लोकल मेरिडियन लाइन पे सन आएगा तब इसकी शैडो ना आपको इधर दिखेगा ना उधर दिखेगा, लेकिन इसकी एक्यूरेसी कितनी है 2 सेकंड्स। तो जैसे 12:02 होंगे इसकी शैडो उस तरफ चली जाएगी, और यहाँ पे कंटिन्यू अगर आप खड़े होकर देखेंगे तो हर 2 सेकंड के अंदर इसकी शैडो आपको मूव करती हुई नजर आएगी। कैलकुलेशन अगर आप करें तो देखो यहाँ पे इसकी शैडो दिख रहा है और ये एक एक मिनट का ब्लॉक आपको दिख रहा है, तो लगभग ये आएगा इस द 40 के लगभग, 11:40 के लगभग जयपुर का लोकल टाइम बताएगा, देन उसमें ऐड कितना करना है डिफरेंस 15 मिनट्स, लगभग आपकी घड़ी का टाइम होना चाहिए इस वक्त 11:55 या 56 मिनट के लगभग, चेक कर सकते हैं 55 या 56। ओ 11:56 राइट, इजिली स्टेप्स बनी हुई है सीढ़ियाँ यहाँ पे ताकि अगर इसकी शैडो वहाँ टॉप पे भी रहती है तो आप इजिली टॉप पे जा करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ दिख रहा है इसका नाम है जय प्रकाश यंत्र। ये हमें सन की लोकेशन दिखाता है कि सन अभी कौन सी राशि में चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं सन साइन। इस मंथ में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे की राशि कौन सी होगी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे ये जंतर मंत्र का मास्टर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट बने उनकी सबकी कैलकुलेशन ये अकेला कर सकता है, इसीलिए राजा ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट यहाँ और सेकंड देखिए वहाँ है। अगर आप दोनों को कंप्लीट करते हैं जस्ट एक ग्लोब बनता है, बट दोनों को राजा ने डिवाइड किया तो यहाँ के बीच के जो मिसिंग मार्बल है यू नो वो सारे उसमें हैं और वहाँ के जो मिसिंग पार्ट है वो सारे यहाँ सेट किए हुए हैं। डिवाइड करने का रीज़न ये था कि इसमें अंदर जा सके कैलकुलेशन के लिए। देखिए गौर से देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर से आपको रेलवे ट्रैक के थ्रू एक बड़ी सी लाइन जाती हुई दिखेगी, वो इक्वेटर लाइन है और इक्वेटर लाइन से वहाँ पे 6 राशियों के नाम ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं और 6 नीचे लिखे हुए हैं। जहाँ शैडो दिख रहा है वहाँ ये लाइन इक्वेटर है, इससे जस्ट नीचे यहाँ पे देखो वृषभ राशि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिथुन राशि और यहाँ लिखा हुआ है कर्क राशि। इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिल्कुल टॉप लाइन को बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वैसे कैंसर ऊपर होता है कैप्रिकॉर्न नीचे होता है, बट राजा ने इसको उल्टा बनाया बिकॉज शैडो हमेशा अपोजिट गिरता है। तो यहाँ पे जो वायर दिख रहा है ना, इस वायर के बिल्कुल बीच में एक लोहे का प्लेट दिखेगा आपको, इसको मानेंगे सन और प्लेट का शैडो जहाँ पे गिरता है वहाँ से हम राशि पता करते हैं। और अभी आपको देखिए शैडो बिल्कुल वहाँ सामने दिखेगा राइट सर, और उसी के जस्ट बिल्कुल सामने देखिए वहाँ पे तुला राशि लिखा हुआ है और ऊपर वृश्चिक लिखा हुआ है। अभी जिस ब्लॉक में इसकी शैडो है वो है तुला राशि। 23 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, उसका सन साइन तुला राशि रहेगा। और आपको पता है सन साइन जो होता है पूरे 1 मंथ में चेंज होता है। 1 मंथ इस प्लेट का जो शैडो है इसी वाले ब्लॉक में चलता रहेगा लिब्रा वाले के अंदर, क्योंकि देखिए सुबह सनराइज होगा ईस्ट और जाएगा वेस्ट, तो सुबह वो शैडो स्टार्टिंग यहाँ से होगा क्योंकि शैडो हमेशा अपोजिट गिरता है और यहाँ से चलेगा लेकिन उसी ब्लॉक में मूव करेगा, बट धीरे धीरे वो ऊपर शिफ्ट होगा।
जैसे वहां पे वृश्चिक राशि लिखा हुआ है यानी कि स्कॉर्पियो उस लाइन को टच करेगा कब, 21 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर से राशि शुरू हो जाएगी स्कॉर्पियो। तो इस तरीके से वन मंथ में वन राशि कंप्लीट करता है, 12 मंथ में 12 राशि कंप्लीट करता है। बट ये दोनों इंस्ट्रूमेंट वन वन आवर यू नो अपना काम चेंज करते हैं, वन आवर ये फंक्शन करेगा, वन आवर वो फंक्शन करेगा, क्योंकि प्लेट का शैडो आपको व्हाइट मार्बल के ऊपर नजर आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कर रहा है, लेकिन जब ये प्लेट का शैडो गैप में गिर जाएगा नीचे, ये काम करना बंद हो जाएगा और वो वाला चालू हो जाएगा। तो अभी देखिए वहां पे आपको शैडो गैप में दिखेगा, वो देखिए नीचे आपको गैप में दिख रहा होगा शैडो, यस। तो अभी वो मिसिंग पार्ट में, इसका मतलब फंक्शन नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे सन की लोकेशन चेंज होगी वो आगे शिफ्ट होगा, जैसे शिफ्ट होगा तो मार्बल पे आएगा, मार्बल पे आते ये काम करना शुरू एंड देन वो वाला बंद हो जाएगा। तो वन आवर ये फंक्शन करता है, वन आवर वो फंक्शन करेगा, ओके okay? बट काम दोनों का एक ही है। सर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टोटल 12 राशियाँ हैं, हर एक राशि का ब्लॉक बना हुआ है पर्टिकुलर डीपली कैलकुलेशन के लिए, सभी पे नाम लिखे हुए हैं, एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वर्गो लिखा हुआ है, कन्या राशि, इसी अकॉर्डिंग सभी पे नाम लिखा हुआ है। बट अभी पर्टिकुलर हम जिस साइन पे चलेंगे वो चलेंगे लिब्रा पे, क्योंकि अभी हमने वहाँ कौन सा साइन देखा था, तुला राशि। तो यहाँ देखिए 300 साल पहले जब किसी बच्चे का हॉरोस्कोप बनता था तो एस्ट्रोलॉजर उसे किस तरीके से कैलकुलेशन करते थे वो देखिएगा। हॉरोस्कोप के लिए पता है तीन चीज़ें इंपॉर्टेंस होती है सर, टाइम, डेट और प्लेस। तो जैसे हमने टाइम कहाँ से नोट किया, घड़ी से। सन की लोकेशन आपने वहाँ से देखा कि सन नॉर्थ में था या साउथ में। ग्लोब में आकर के हमने क्या देखा, साइन। और साइन में आकर के देखना है कि पर्टिकुलर उस वक्त इस राशि में सन की लोकेशन क्या थी, यानी कि वॉल का शैडो कितने डिग्री पे आ रहा था। यहाँ लिखा हुआ देखिए सर 180, और यहाँ लिखा हुआ देखिए 210, और वहाँ पे ऊपर 240। अभी आप देख सकते हैं वॉल का शैडो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या है छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं सर, आप इसको यहाँ से यहाँ तक 10 डिग्री मान सकते हैं। तो 180 और 10 कितना हो गया, 190। ये डिग्री हम नोट करके रात को जाएंगे प्लेट के ऊपर, वो मैंने आपको बड़ी वाली प्लेट दिखाई थी, उस पर जाके आपको लगाना है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को जैसे आप घुमाएंगे कितने डिग्री पे, तो आपको उसका नक्षत्र नजर आएगा कि इस बच्चे ने कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती थी आज से 300 साल पहले, आज उसी चीज़ को हम कंप्यूटर से बना रहे हैं, उसमें आप टाइम, डेट और प्लेस डाल दीजिए, बन के तैयार हो जाता है।